आज मैं आप सबके बीच में एक ऐसा सेशन लेकर आ रहा हूँ, मैथमेटिक्स का सेशन, अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव फ्लाइंग और डीपीएस विवेक सर पर। मैं आप सबसे डिस्कस करूँगा एसएससी मैथमेटिक्स की बात करूँगा, एसएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, जैसे मैं आपसे बात करूँ एसएससी से रिलेटेड कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं और उसमें मैथ्स का वेटेज क्या होता है, मैथमेटिक्स का वेटेज क्या होता है, इसको मैं आप सबसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो आप समझने की कोशिश करना कि ये जो मैथ का सेक्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को आज मैं क्लियर करूँगा और मैथमेटिक्स सेक्शन को डिस्कस करूँगा, कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करूँगा, जहाँ तक हम आपसे इतना कह सकते हैं कि जो भी सिलेबस होगा, चाहे मैं अरिथमेटिक्स की बात करूँ, चाहे मैं एडवांस मैथ्स की बात करूँगा, साथ ही साथ मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूँगा, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और मैथमेटिक्स का बेसिक अप्रोच क्या होगा, मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग हम कैसे डेवलप करें, कैसे किसी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि हम हर क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाएँ कि इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं वो क्या क्या हैं और हमें क्या ज्ञात करना है जिससे हमारा सलूशन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इन चीज़ों को हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आज का जो सेशन है एसएससी पर बेस्ड है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एसएससी जो कि वन डे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो आप देखेंगे हम आपसे बात करने जा रहे हैं एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। एसएससी में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि किस एग्ज़ाम में जो वेटेज होता है, अगर एसएससी एमटीएस की बात करें, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग और एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट और हायर सेकेंडरी एसीएचएसएल, यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2, यहाँ पर एमटीएस में क्लास 10th पास होना चाहिए और यहाँ पर ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो फर्स्ट पेपर होता है इसका, उसमें 25 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं, 25 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं, यहाँ पर भी 25 क्वेश्चंस ही होते हैं और यहाँ पर भी 25 क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ये जो एसएससी एक बोर्ड है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी सीजीएल, मैं सिर्फ और सिर्फ और सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, लेकिन मैं बेसिकली इन्हीं तीन एग्ज़ाम्स के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो इनके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, चूँकि इनका सिलेबस कॉमन ही होता है, मैक्सिमम चीज़ें कॉमन होती हैं, बस क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल कुछ और होगा, यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल कुछ और होगा, यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा। कुछ इसके मेंस का एग्ज़ाम जो होता है, एसएससी मेंस का पेपर सेकेंड जो होता है मैथ का, यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, लाइक कि आप कह सकते हो कैट लेवल के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इन सेक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो एसएससी का एग्ज़ाम है इसको समझने के लिए आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम को चूज़ करना होता है और आपके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की, इसलिए आप किसी और पार्ट पर मत फोकस करना, चूँकि एसएससी में सिर्फ मैथ्स का ही सेक्शन नहीं होता है, मैथ्स भी होती है, रीजनिंग भी होती है, जीएस और जीके भी होता है, साथ ही साथ इंग्लिश भी होती है। तो बट उन सभी सेक्शंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं मैथ सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स सेक्शन में मैं आपको आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिलेबस को, कि जो मैथ्स का सिलेबस होगा वो क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा और हम उसमें किन चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे, कैसे चीज़ों को बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलेंगे, उसका अप्रोच कैसा होगा। चलो आज मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करता हूँ। तो मैथ्स को जब हम पढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे सेक्शन में डिवाइड करेंगे मैथ्स। सबसे पहले मैथ्स को मैं कुछ सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो मेरा अरिथमेटिक्स का होगा, सेकंड सेक्शन हम डिस्कस करेंगे
नंबर सिस्टम को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडवांस मैथ, लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा डेटा इंटरप्रिटेशन की। लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा डेटा इंटरप्रिटेशन की। ये मैथ्स के सेक्शंस को बेसिकली मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया, अरिथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, एडवांस मैथ और डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए अभी जो चीज़ें मैं आपसे लिख रहा हूँ, अंकगणित, संख्या पद्धति और एडवांस मैथ में मैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री के सेक्शंस को डिस्कस करूँगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टेटिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पर हम मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट करेंगे, इन चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए जो भी चीज़ें हम कर रहे होंगे वो बाइलिंगुअल हो रहेंगी, बाइलिंगुअल मतलब द्विभाषी होंगी, हिंदी इंग्लिश कंबाइन होगा। कोशिश मेरी यही होगी कि हिंदी इंग्लिश कंबाइन हो, हर एक बच्चे तक चीज़ें सही तरीके से पहुँचे। उतना ही फ़ायदा इंग्लिश मीडियम को बच्चे को भी हो, उतना ही फ़ायदा हिंदी मीडियम के भी बच्चों को हो। एक्चुअली देखिए इंग्लिश पढ़ने का यहाँ से कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिल रहे होंगे, चूँकि एक आपका जो एक सेक्शन होगा वो इंग्लिश का भी होगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश हम यूज़ करेंगे। तो मैं इस मान के चल रहा हूँ कि आप सबकी जो बेसिक इंग्लिश है वो अच्छी होगी। आप लोग चाहते हो अगर SSC को क्रैक करना तो आप बेसिक इंग्लिश को तैयार करना पड़ेगा, और इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश आना नहीं ज़रूरी है, आपको इंग्लिश पर अप्रोच करना चाहिए, आपको रीडिंग लगानी चाहिए, कंप्रेशन पैसेज को पढ़ना चाहिए, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, तो धीरे धीरे आपके उस सब्जेक्ट में नॉलेज और समझ बढ़ेगी। तो किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज और समझ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग आप किसी पेपर से करिए, अपनी बुक से करिए, खुद करिए, खुद डेवलप करिए कि क्या है, उन चीज़ों के बारे में जानिए, सोचिए, समझिए। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे उस सब्जेक्ट को जान सकते हैं। तो हम मैथ्स में इन्हीं चीज़ों पर आपसे वर्क कराएंगे। देखिए अब हर एक सेक्शन में मैं सिलेबस को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हर सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होंगे और उनको हम कैसे पढ़ रहे होंगे। अब फर्स्ट सेक्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहला सेक्शन मैंने आपसे कहा था अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक में हम सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे परसेंटेज पढ़ेंगे, परसेंटेज, परसेंटेज मींस प्रतिशत, प्रतिशतता, हम इस सेक्शन को सबसे पढ़ेंगे, पहले पढ़ रहे होंगे। दूसरा सेक्शन जो होगा वो हमारा होगा दूसरा पार्ट टॉपिक प्रॉफिट लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस के बाद इसी में एक सेक्शन पढ़ेंगे हम डिस्काउंट, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि, डिस्काउंट भट्टा। फिर हम पढ़ रहे होंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे कॉमनली नोन एज SI और CI। फिर हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, समय एवं कार्य, कार्य एवं भत्ता। एक्चुअली है एक ही टॉपिक बट अलग अलग डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा माइंड का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अरिथमेटिक सेक्शन को हमने इतने चैप्टर्स में डिवाइड किया, और भी चैप्टर हैं जो हम आगे डिस्कस कर ले रहे हैं आपसे। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे इस वर्क एंड टाइम हो गया ना, फिर मैं आपसे वर्क एंड वेज भी हो गया, मैं आपसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल एवं दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस।
फिर यहाँ से मैं बात करूँगा बोट एंड स्ट्रीम की। और फिर पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न। इस सेक्शन को हम चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं वर्क एंड टाइम के बाद ही, पाइप एंड सिस्टर्न को वर्क एंड टाइम के बाद ही डिस्कस कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब ये जो सेक्शन है टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टर्न, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस होता है। मैक्सिमम चीज़ें एक ही कॉन्सेप्ट पर चल रही होती हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में कुछ बेसिकली फार्मूलों का यूज़ करेंगे और कुछ टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे होंगे। इन्हीं चीज़ों को मिलाकर हम चीज़ें कर रहे होंगे। फिर हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, पार्टनरशिप, लास्ट में डिस्कस करेंगे ELCM एंड SCF। ये जो होल सिलेबस है ये है अरिथमेटिक सेक्शन का। अरिथमेटिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। दूसरा टॉपिक होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। तीसरा डिस्काउंट, बट्टा, हिंदी में बट्टा कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, वर्क एंड वेजेस, कार्य एवं भत्ता, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल एवं दूरी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। इसके बाद पाइप एंड सिस्टम, पाइप एवं हाउस या टंकी कहते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, एवरेज, औसत, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, मिश्रण, पार्टनरशिप, साझेदारी, LCM एंड SCF, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। ये जो चैप्टर्स हैं बेसिकली हर एक एग्जाम में, चाहे SSC CGL का हो, SSC MTS का हो और SSC CHSL का हो, उन सभी एग्जाम में आते हैं। बट इनके क्वेश्चंस डिफर करते हैं। SSC MTS में इसका लेवल कम होता है, SSC CHSL में थोड़ा ज़्यादा होता है, SSC CGL में कुछ और ज़्यादा कर देते हैं। कभी कभी CHSL और CGL का सेम तरीका हो जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है। तो ये था अरिथमेटिक का सेक्शन। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में सिर्फ हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे रेस, तो उसमें पढ़ रहे होंगे रेशनल नंबर को भी पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर को भी पढ़ेंगे और बेसिक नंबर्स जितने भी हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सभी नंबर को पढ़ रहे होंगे। तो जब हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो हम जो टॉपिक कर रहे होंगे उसमें एक ही टॉपिक करेंगे, जो कि कभी कभी अलजेब्रा का भी सेक्शन होता है, लेकिन हम इसी नंबर सिस्टम में ही उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सर्ट्स, इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स। इसके बाद हम एक टॉपिक इसी में रेशनलाइजेशन डिस्कस करेंगे। जी सर। फिर मैं आपसे बात करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन AP GP।
रिस्लाइजेशन। सर्ट्स घातांक घातांक एवं करणी। ठीक है, रिस्लाइजेशन पढ़ रहे होंगे, सर्ट्स इंसिडेंट एक्सपोनेंट को डिस्कस करेंगे, रिस्लाइजेशन पढ़ेंगे, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। यह है समांतर श्रेणी और गुरुत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और गुरुत्तर श्रेणी। कुछ बच्चे इसे आजकल तो क्लास 9-10 में टॉपिक होता है, बहुत सारे CBSE ICSE और अब तो स्टेट बोर्ड्स में भी इंक्लूड हो गए, नहीं तो 11-12 में जिनका मैथ्स का सेक्शन होता है ये टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, नंबर से रिलेटेड वर्क करना है, यहाँ पे रिस्लाइजेशन करना है। ठीक है, और सर्ट सिंथेसिस ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम में। इसके बाद मैं बात करता हूँ एडवांस मैथ की। किस सेक्शन की बात करेंगे? एडवांस मैथ। देखिए, जो सिलेबस है आप सबको जानना चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो कम से कम क्वेश्चन को देखकर ये तो समझ जाना चाहिए कि इस चैप्टर से और इस टॉपिक का क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है ना, कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टॉपिक ही क्लियर नहीं हो पाता कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, कहाँ से आया है। जब उनको टॉपिक नहीं क्लियर हो पाता तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं वो भी नहीं क्लियर हो पाते। तो ये बात ध्यान रखना कि आप क्या करोगे, इस पर समझना ना कि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आप सबको जानना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक से कौन कौन सा चैप्टर है, उसमें कितने टॉपिक हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ देखिए, एडवांस मैथ को मैं पुनः कुछ सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। एडवांस मैथ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलजेब्रा, बीजगणित, फिर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में ही एक सेक्शन हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करेंगे, यहां पर मैं अक्ष की बात करूंगा। फिर लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा ज्योमेट्री, ज्यामिति मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। देखिए, मैंने एडवांस मैथ को सबसे पहले चार सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। चार सेक्शन में सबसे पहला पार्ट एलजेब्रा का होगा, एलजेब्रा के बाद बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक टॉपिक को एलजेब्रा में इंक्लूड करेंगे, चाहे वो बेसिक लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, चाहे मल्टीनियस इक्वेशंस हो, या फैक्टर्स हो, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की मैं बात करूंगा, फैक्टराइजेशन की बात करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, साथ ही ऊंचाई और दूरी भी पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ही साथ सब कुछ डिस्कस कर लूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी जितने भी टॉपिक इंक्लूड हैं, ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे लाइंस एंगल्स, ट्रायंगल, ट्रायंगल भी पढ़ेंगे तो उसमें दो पार्ट पढ़ेंगे, एक सिमिलर ट्रायंगल और दूसरा कांग्रुएंट ट्रायंगल। फिर हम पढ़ेंगे एरिया, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, फिर एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। हम उसके बाद पढ़ेंगे सर्कल। ठीक है, इन चीज़ों को मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसी में एक सेक्शन और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद में मैं एक सेक्शन डिस्कस करूंगा लास्ट में इसी एडवांस मैथ में, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन ए टॉपिक लास्ट में डिस्कस करेंगे। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में हम दो टाइप से डिस्कस कर रहे होंगे मेंसुरेशन को, एक टू डायमेंशनल फिगर को डिस्कस करेंगे, दूसरा थ्री डायमेंशनल फिगर को डिस्कस करेंगे, 2D और 3D को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति हम लास्ट टॉपिक कर रहे होंगे इस एडवांस मैथ के पोर्शन का।
पहले मैं चाहता था कि मेंस्ट्रुएशन को अलग से डिस्कस कर लिया जाए, एक अलग टॉपिक बना दिया जाए, लेकिन अभी मैंने सोचा कि नहीं, इसको एडवांस मैथ्स के साथ ही डिस्कस कर लिया जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ये तो था मेरा। अब लास्ट जो बता है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, और कुछ एक अभी तो एसएससी में शायद प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभार आ जाते हैं, तो चूंकि प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ लेते हैं रीजनिंग में भी, तो अब एक टॉपिक मेरा बचा है डेटा इंटरप्रिटेशन। और लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये जो था एक कंप्लीट सिलेबस है किसका, एसएससी का। अरिथमेटिक का जो पोर्शन होता है वो बैंक में भी आता है और रेलवे में भी आता है, लेकिन जो एडवांस मैथ का पोर्शन होता है वो बैंक में नहीं होता है और रेलवे में होता है, लेकिन कुछ चैप्टर्स होते हैं, सारे चैप्टर्स नहीं इंक्लूड करता है वो। ठीक है, तो आप सब समझ गए होंगे कि ये जो सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया है एसएससी का, ये इनको आप सबको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। आखिर ये जो चीज़ें हैं एसएससी का जो सिलेबस है, हर कोई एक स्टूडेंट क्लास 9 टेंथ में पढ़ लिया होता है, क्लास 6 से 10th तक चीज़ें हुई रहती हैं। मतलब ये जो एग्ज़ाम होते हैं वन डे के, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इनमें आप बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब ग्रेजुएशन में जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको तो सिर्फ जीके जीएस में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर कोई स्पेशलाइजेशन आपका सब्जेक्ट का है तो काफ़ी हेल्पफुल होता है ग्रेजुएशन में, जैसे किसी का इंग्लिश से रहा, किसी का मैथ से रहा, बीएससी किया उसने, किसी ने बीए किया है इंग्लिश से, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, उसका इंग्लिश का पोर्शन पहले से प्रिपेयर होता है। और जो बीएससी मैथ से करता है उसकी मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तब उनको क्या होता है, जो बीटेक लड़के की होती है उनकी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है मैथ्स को लेकर के ना, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है और क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना एक मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग बेसिकली समझ पा रहे होंगे ना कि मैथ्स बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है उसको थोड़ा सा वर्कआउट कम करना है। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मैथ्स को लेकर के समझने की कैपेसिटी अच्छी है, तो उसको थोड़ा सा वर्क कम करना पड़ता है। लेकिन जो मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं रहा है और क्लास 9 10th तक ही उसकी मैथ बैकग्राउंड रही है, तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, उसको टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, कभी कभी जल्दबाजी में हम चीज़ों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, कुछ एक ट्रिक रख लेते हैं, कुछ ट्रिक से कुछ क्वेश्चन हमें आने लगते हैं, तो हमें लगता है कि हमने मैथ समझ ली। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होते हैं, वही क्वेश्चन आपसे पूछने का तरीका वो बदल देता है और फिर आपकी हालत ख़राब हो जाती है। आप बस कहते हो यार क्वेश्चन ही टफ आ गया था, क्वेश्चन नहीं टफ आता, बस उसने क्या किया, उस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल लिया, क्वेश्चन को एक आध टॉपिक सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन देकर के आपसे बदल लिया, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेता है।